और वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग। सो आज है क्यारा और कायरव का लास्ट डे समर कैंप का, तो मैंने सोचा कि ना व्लॉग किया जाए। हेलो स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल लेके नहीं जाएंगे, बट स्कूल में ही एक स्विमिंग का लोगों ने बनाया है एक टब वगैरह से, उसमें बच्चों को एंजॉय कराएंगे। सो बच्चे इसलिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम में जा रहे हैं। चलो 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 चलो। और बाकी पेरेंट्स तो बच्चों के साथ ट्यूब वगैरह लेके भी आए हैं, बट हम बच्चों को ट्यूब लेके नहीं आए क्योंकि ये लोग ट्यूब की नीड नहीं है, क्योंकि ये लोग स्कूल में टब में करवा रहे हैं स्विमिंग। बस मैम ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के ही आई है, बाकी कपड़े इसके बैग में रखे हैं। अब मुझे भी सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मैम को। तो जी मैं बच्चों को स्कूल तो छोड़ के आ गई हूँ, अब लेट्स सी वो कितना एंजॉय करते हैं। स्कूल से ही उनके वीडियोस एंड फोटोज़ आ जाएंगी, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि आप भी देख सको कि उसमें बच्चों ने कितना एंजॉय किया है। अब मैं चलती हूँ घर और शशांक का लंच पैक करती हूँ। तो जी मैं आ चुकी हूँ घर और अब मुझे बस शशांक का लिए लंच पैक करना है, उनका ब्रेकफास्ट बनाना है और उसके बाद उनके ऑफिस जाने के बाद और सब काम करेंगे। और मुझे साथ साथ किचन भी संगवानी है, क्योंकि सुबह का इतना सारा काम होता है कि किचन से बहुत मैसी हो जाता है। शशांक का लंच, बच्चों का लंच, शशांक का ब्रेकफास्ट, बच्चों का ब्रेकफास्ट, सब करते करते बहुत मैसी हो जाता है किचन। सो किचन संगवाते हैं और लंच पैक करते हैं, शशांक का ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जी शशांक जा चुके हैं ऑफिस, मैं स्कूल कहने वाली थी, शशांक जा चुके हैं ऑफिस और बस अब थोड़ी देर बाद मैं भी रेडी तैयार होंगी, मतलब शार लूँगी और फिर रेडी होंगी और फिर मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। मैं पहले कर सकती हूँ बट मेरा मन है कि मैं ब्रेकफास्ट बाद में करूँ, पहले मैं शार ले लूँ ताकि मैं अच्छे से फ्रेश फ्रेश होके फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँ। सो मैं फ़िलहाल सोच रही हूँ कि शशांक के जो स्वीट्स कॉर्न्स बनाए थे मैं वो ही ब्रेकफास्ट में ले लूँगी, तो ज़्यादा मुझे हैवी खाने का मन नहीं है और बाकी फिर देखते हैं कि लंच में क्या बनेगा। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ बच्चों को स्कूल ले जा स्कूल से लाने के लिए, बट आई हैव समथिंग फॉर यू, मुझे आपको कुछ दिखाना है जिसके लिए मैं बहुत 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 दिनों से वेट कर रही थी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं वो आ चुका ही चीज़। एक्चुअली वो कपड़ा है और मैंने वो ट्राई कर लिया और मुझे उसकी फिटिंग आई हाय कितनी अच्छी फिटिंग लगी मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ उसको पहन के और मुझे बड़ी खुशी मिल रही है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम उसको ऑर्डर किया था और फर्स्ट टाइम मैंने उसको पहना है, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं बताती हूँ कि वो क्या है। वो है मेरी ये लॉन्ग स्कर्ट, डेनिम लॉन्ग स्कर्ट, मैं बहुत खुश हूँ इसे लेकर। मुझे इसकी फिटिंग, मैंने इसका शॉर्ट्स बनाया है तो आप जाके मेरे शॉर्ट चैनल पे देख सकते हो। ये मुझे बहुत 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 अच्छी लगी, मैं फर्स्ट टाइम डेनिम लॉन्ग स्कर्ट पहनूंगी। लॉन्ग स्कर्ट डेनिम मैंने पहनी है पर छोटेपन में पहनी जब मैं छोटी थी, अनमेरिड में, आई थिंक जब मैं 16-17 की टीन एज में मैंने पहनी है लॉन्ग स्कर्ट्स डेनिम पे और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद मैंने कभी पहनी नहीं और इतने सालों बाद अब मैं दोबारा पहनूंगी और मैंने ऑर्डर की थी, वो आज ही आई है बाई चांस और मैं बहुत 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 खुश हूँ उसे अमेज़ॉन पार्सल से। इतनी खुशी मुझे किसी और ड्रेस को देख के नहीं हुई जितनी मुझे इसको देख के हुई, क्योंकि मुझे अपने बचपन की यादें वापस आ गई। मेरे पास छोटेपन में दो डेनिम स्कर्ट्स थी, एक मेरी प्रॉपर लॉन्ग थी जो मेरे पैरों तक आती थी और एक थी 3-4 टाइप की, मतलब नी इससे नीचे और पैरों से थोड़ी ऊँची, बट मुझे पसंद वो थी जो मेरे पैरों तक आती थी, बट ये वाली थोड़ी ऊँची है बट आई लव लव लव। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, ये बहुत कंफर्टेबल है और ये बहुत सुंदर है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। बट मुझे जाना है अभी रिसेंटली किटी में, तो किटी में थीम था कि हमें लॉन्ग स्कर्ट, सॉरी स्कर्ट एंड टी शर्ट पहननी है। सो मैंने चूज़ की मुझे लॉन्ग स्कर्ट पहननी है, इस बहाने मेरे पास एक डेनिम स्कर्ट हो जाएगी। आई लव, आप देख सकते हो कि मैं कितनी खुश हूँ स्कर्ट को लेके, क्योंकि मेरी बचपन की यादें दोबारा रिकॉल हो रही है और आई लव। अब मुझे वेट हो रहा है कि कब मेरी किटी का दिन आएगा और मैं इंजॉय करूँगी इससे। चलो मैं चलती हूँ बच्चों को लेकर। तो जी मैं निकल चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ यहाँ पे लिफ्ट का वेट और उसके बाद मैं जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए। मेरे बाल बड़े बुरे हाल हो रहे हैं, मेरे बालों को वॉश की ज़रूरत है, बहुत गंदे बाल हो रहे हैं बट मैं वॉश कर नहीं रही हूँ, कुछ दिन बाद करूँगी। बस मैं लिफ्ट आ जा तो मैं चलती हूँ बच्चों को ले।
तो जी आज बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे स्कूल में, क्योंकि आज उनका स्विमिंग डे था। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या होगा, भी बच्चे बहुत खुश होंगे। क्या रखा है? अच्छा, आपने इसमें किया था कुछ, इसमें कुछ बाहर बच्चे। हाँ, वो तो मैंने फोटोज देख ली, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। और इससे ज़्यादा एंजॉय और क्या होता। वैसे भी लास्ट डे है आज। नहीं, अभी तो कल भी है, परसों। कल तो आप वहाँ लेके जा रहे हो ना बच्चों को, तो स्कूल तो होगा नहीं कल। तो बच्चे स्कूल से आके लंच करके सो गए हैं, और उसके बाद मैंने उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने अपने हेयर वॉश कर लिया, क्योंकि मेरे बाल बहुत गंदे हो गए थे। और आज वेडनेसडे है, और मैं सोच रही थी कि अगर मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया तो मैं सीधा फिर परसों करूँगी, क्योंकि थर्सडे को हेयर वॉश नहीं होता है। और मेरे हेयर्स इतने डर्टी हो रहे थे, मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चों के सोने के बाद अपना हेयर वॉश करूँगी, ताकि मैं आराम से अपना हेयर वॉश भी कर सकूँ और बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं हो, मैं भी डिस्टर्ब नहीं हूँ। तो इसीलिए अब देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। फिलहाल तो अपने में हेयर ड्राई करूँगी, हेयर ड्रायर से नहीं करूँगी मैं, नॉर्मली जैसे होता है धीरे धीरे वैसे ही करूँगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बालों पर कुछ भी ऐसे यूज़ करना। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने हेयर्स पर कुछ यूज़ करते हो तो आपके हेयर्स डैमेज होते हैं, जो मैं नहीं चाहती। तो इसलिए अब मैं अपने बालों का मैं सीरम वगैरह लगाती हूँ, बालों को ड्राई करती हूँ, और फिर शाम को आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, तो अब हो गई है शाम और टाइम हो गया डिनर का। शशांक भी घर आ चुके हैं, और मैंने सोचा है कि आज हम बनाएंगे कुछ नई सी चीज़। एक्चुअली मैंने कल ट्राई कर चुकी हूँ। तो कल मैंने क्या किया था, कल मैंने बनाए थे रागी के आटे के चीले, और उसके अंदर में हम लोगों ने पनीर की लंबी लंबी स्लाइस कट करके, और उसको अच्छे से मसाले वगैरह मतलब मिर्च नमक वगैरह लगा के उसको फ्राई तो नहीं किया था, सेका था। मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगी आज, वो सब करके और हम लोगों ने रोल बनाए थे, जो कि बहुत टेस्टी लगे थे। पर आज हमें जो कल मुझे कमी लगी थी, तो आज हम उसको पूरी करेंगे और आज हम दोबारा बनाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए, बहुत टेस्टी होते हैं प्लस हेल्दी होते हैं, सो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो ये अनियन हो गई है, इसको मैंने गोल गोल कट करके उसमें नमक और लाल मिर्च डाली है बस, और कुछ नहीं डाला है। साथ साथ मेरे यहाँ हो गया है पनीर, तो पनीर को मैंने ऐसे लंबा लंबा ऐसा करके कट कर लिया है, ताकि जब मैं रोल बनाऊँगी तो उसमें ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट उसको लगा सकें। सो अब बनाते हैं अपने चीले जी। सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं, पनीर भी कट गया है, अनियन भी हो गई है, और साथ ही टॉप्स की मैंने रेड चिली सॉस भी मंगवा ली है। एक ये रेड चिली सॉस है, और साथ में हमारे साथ है ये ग्रीन चिली सॉस, ये मेरी फेवरेट है। और ये रेड चिली सॉस मैं फर्स्ट टाइम मस्ट ट्राई करूँगी, लेट्स सी कैसी होती है। और मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चला कि रेड चिली सॉस भी इस तरीके से आती है, क्योंकि मैंने आज तक कभी यूज़ ही नहीं करी थी। अगर हम यूज़ करते हैं वो टॉप्स की जो ग्रीन टॉप्स की जो रेड चिली सॉस आती है, मैं वो यूज़ करती थी। सॉरी, टॉप्स की नहीं, किसान की जो आती है रेड चिली सॉस, मैं वो यूज़ करती थी। पर टॉप्स की मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चला। लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि ग्रीन वाला मेरा फेवरेट है। अब ये हो गई तो प्रिपरेशंस, ये रहा पनीर, ये रही अनियन, और ये दोनों सॉस, और हमारा ये भी तैयार हो चुका है यहाँ पे। बस अब बनाते हैं इसके लिए चीले। तो जी यहाँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सुबह उठ के आसान हो जाता है अगर मैं रात को प्रिपेयर करके सो जाती हूँ। तो यहाँ मैंने वेजिटेबल सब यहाँ पे कट कर दी है, और मुझे दाल भी भिगोनी है, पम्पकिन भी कट करा था इसमें मैंने इसके बाद। और फिर शशांक बोले कि उनको मैंगो खाने का मन हो रहा है, तो मैंने मैंगो कट करके दिया था शशांक को भी और बच्चों को भी। और फिर सब कुछ क्लीन करके फिर मैं चली गई थी सोने।
तो जी बच्चे और शशांक जा चुके हैं रूम में सोने के लिए, और अब बस अब मैं बना रही हूँ बच्चों का रात के लिए दूध, और फिर उनको ब्रश कराऊंगी, नाइट सूट्स चेंज कराऊंगी, खुद में चेंज करूंगी, अपना स्किन केयर करूंगी और फिर हम सो जाएंगे। सो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो फिर आप मेरे को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड मेरे ब्लॉग को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।